जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल योगेश लर्निंग में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर के हम सब लगातार परेशान हैं, चाहे वो परीक्षा रद्द के संदर्भ में हो या फिर इसके विपरीत हो। वहीं कुछ हमारे साथियों का ये भी कहना है कि सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परीक्षा रद्द की मांग सिर्फ वही छात्र कर रहे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है या फिर जो बिल्कुल भी पढ़ने में खराब थे और वो सब इसीलिए चाहते हैं कि परीक्षा रद्द करवाई जाए। तो साथियों, ऐसा करके हमारे साथी दो गुटों में लगातार बढ़ चुके हैं और आपस में ही वाद विवाद लगातार किए जा रहे हैं। साथियों, मैं अपने भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखता हूं तो वहां पे मेरे को देखने को मिलता है कि 90-95% छात्र तो ऐसे होते हैं कि जो रियल में चाहते हैं कि हाँ परीक्षा रद्द करवानी चाहिए, और साथ ही हमारे 5-10% छात्र ऐसे भी होते हैं जिनका कहना होता है कि नहीं सर, ये काफी सालों के बाद तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है परीक्षा को देने के लिए, तो ये परीक्षा बिल्कुल भी रद्द नहीं करवाना चाहिए। बट साथियों, आप ही बताइए कि है ऐसी परीक्षा का क्या मतलब जिसमें हमारे सिर्फ 10% ही ईमानदार भाई शामिल हो और बाकी के क्या सभी न पढ़ने वाले हैं? ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा साथियों, क्योंकि ऐसे भी हमारे होनहार छात्र हैं जिनसे मैंने पर्सनली मुलाकात की और इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने आप बीती मुझसे शेयर की है, और साथियों जो है उनके मार्क्स काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो साथियों, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत होगा। मेरे हिसाब से परीक्षा को दोबारा से ईमानदारी से जो है कंडक्ट करवाना चाहिए, और इसी बात को लेकर के मैं साथियों आज लाइव भी आया था आपसे बात करने के लिए, बट ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम मैं वहां पे स्ट्रीमिंग को कंटिन्यू नहीं कर सका। साथियों, अब एक आयोग की तरफ से भी खबर दिख रही है, ये अच्छी खबर भी हो सकती है। आयोग भी स्वीकार करती दिख रही है कि हां साथियों के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी तो साथियों जो है पीजीटी परीक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। जी हां साथियों, और इसका रीजन सिर्फ यही है कि हमारी आपकी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। जी हां साथियों, अगर हम सब लगातार ट्विटर कैंपेन ऑनलाइन कैंपेन अगर नहीं करते तो शायद ये भी देखने को न मिलता, और फिर जो है पीजीटी पेपर होने के बाद पता चलता कि यहाँ भी धांधली बहुत ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट हम साथियों यहाँ पे बात करेंगे 22,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भर्ती को लेकर के शासन का आदेश जो है ये बहुत जल्द जारी हो सकता है, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो है काफी ज्यादा तादाद में छात्रों के पक्ष में सपोर्ट लगातार देखने को मिल रहा है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये मुद्दा संसद भवन में भी जो है ये पेश किया जा चुका है, और वहां भी लगातार सपोर्ट जो है वो छात्रों के पक्ष में है। जी हाँ साथियों, काफी बड़े बड़े नेता जो है लगातार छात्रों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथियों जो है इसके भी संदर्भ में बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो साथियों, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।